भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पिछले कई वर्षों से हमारे समाज से विलुप्त होती जा रही है। उसको एक बार फिर से पुनः जिंदा किया जा सके, 1960 में यूरोपियन चिकित्सा पद्धति भारत में आया और MBBS ने पूरे भारत में पैर पसार लिया। इन अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के कारण ही हमारी जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति लुप्त होने की कगार पे है। दरअसल ये आंवला के बारे में जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, आंवला से क्या फायदे या बेनिफिट हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जिसका एक अभूतपूर्व प्रयोग है चिकित्सा पद्धति में पशुओं के लिए किया जाना चाहिए और कब किया जाना चाहिए। यदि आपके पशु के पेट में किसी भी तरह की बीमारियां को जड़ से खत्म करने में यह बहुत ही कारगर है। आंवला का सेवन नियमित रूप से कुछ दिनों के अंतराल में करते रहना चाहिए, क्योंकि आंवला के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपके पशु में इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है, ताकि वो सभी प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया से लड़ सकें। वायरस जो शरीर के अंदर कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण ही प्रवेश करता है और तरह तरह की बीमारियों से गाय या भैंस को ग्रसित कर लेता है, इससे बचाने के लिए आंवले का उपयोग इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। या भैंस का, ज़्यादातर गाय भैंस को आपने देखा होगा कि उनको फूल दिखना या भाड़, बिहार में बोलते हैं भाड़ दिखना की बीमारी होती है, वो भी विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अगर जिस पशु को भाड़ या फूल दिखता है उसको 100 ग्राम आंवला ले करके और पीस करके मिक्सी में पशु को 5 दिन दे दें तो भाड़ दिखना या फूल दिखना बंद हो जाएगा। साथ में गर्मी के मौसम में पशु को लू लगना या गर्मी लग जाना पशु को, या गर्मी हो जाना, उसमें भी सप्ताह में कम से कम 7 दिन 50 50 ग्राम या 100 ग्राम आंवला दें। और पशु को बार बार बीमार हो जाना, कोई ना कोई बीमारी से बार बार ग्रसित रहना, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाना मुख्य कारण होता है। इम्यूनिटी सिस्टम विटामिन सी के कमी से ऐसा हो जाता है या कम हो जाता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आंवले का उपयोग निरंतर पशु के ऊपर करना चाहिए। 100 ग्राम आंवले की मात्रा में 600 मिलीग्राम, 100 ग्राम आंवले की मात्रा में 600 मिलीग्राम एस्कोर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है, जो कि अदर बहुत सारे पौधे में इतने ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी नहीं मिल पाते हैं। यदि आपके पशु को लू लग गया या तासीर गर्म हो गया हो तो भी आंवले का उपयोग कर सकते हैं। गाय भैंस के यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम, लीवर संबंधित प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, शरीर में घाव, थन में घाव हो जाए, पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना, पशु को 20 ग्राम आंवला रोज देना चाहिए। अगर आंवला उपलब्ध ना हो तो आप आंवले का पत्ता सप्ताह में 3 से 4 दिन एक मुट्ठी आंवले का पत्ता जरूर देना चाहिए। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
वाचिंग वीडियो, लाइक एंड शेयर करें।